एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम है। एक्चुअली कपड़े जो धुले रखे थे वो सब सुखा रही हूँ मशीन में। और यहाँ पे देखो मैं डांस कर रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ क्योंकि मम्मी कर रही थी फ़ोन पे बात, तो इसलिए मैं मम्मी के साथ ही खड़ी हुई थी और कपड़े ड्राई हो रहे हैं। तो आज मैंने ऐसे करके स्कर्ट ये वाली पहन ली थी टॉप के ऊपर, वरना तो इसके एक कुर्ती है आपने देखी होगी पिंक कलर की, मैं पिंक के ऊपर ही पहनती हूँ। तो सारे कपड़े बस ड्राई होने ही जा रहे हैं, निकाल के इनको बाहर डाल देना है क्योंकि बारिश हो रही है ना। बारिश के चक्कर में कपड़े आजकल सूख ही नहीं रहे हैं ज्यादा। सूखने लगे हैं, एक एक करके मैं बाहर बालकनी में इनको डाल के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पहली बार मेरे चैनल पे जो भी विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना होता है, नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो आप लोग मेरा वीडियो वॉच करोगे। तो बस आज मैं बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करने आई हूँ और मैं काफी टाइम से सोच रही थी आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना दूं। हाँ, बट क्या करें, बहुत बिजी हो रखी हूँ। मेरा शेड्यूल सच में बहुत बिजी है और मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं होता है। बट क्या करें, कुछ लोगों की वजह से ना कुछ टाइम से माइंड बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। और मैं बता देती हूँ, इतने दिन से मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस पे क्यों नहीं थी, मतलब अपने चैनल पे मैं क्यों नहीं थी। आप लोगों को काफी टाइम से शिकायत है मुझसे कि मैं कंटिन्यू क्यों नहीं हूँ अपने चैनल पे। मेरे ख्याल से मतलब ये समझ लो पूरा साल सा होने जा रहा है, साल में मैं बहुत ही कम एक्टिव रह पाती हूँ, लेकिन अब मैं परमानेंट एक्टिव रहूंगी। मेरा चैनल मोनेटाइज है, मेरा चैनल बना बनाया है, मैं अपने चैनल को ऐसे नहीं हाथ से जाने दे सकती। लोग एक चैनल के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, जो मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है वही इस चीज को समझता है, वरना तो एरा गैरा आएगा, कुछ भी बोल के जाएगा। ठीक है, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या कहते क्या नहीं करते हैं, मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, जब मेरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मायके वालों को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो हमसे जुड़े हुए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं फिर क्यों किसी की चिंता करूं, है ना। तो सबसे मेन बात बताती हूँ कि इतने दिन से मैं एक चीज में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी। कहते हैं ना, किसी के लिए अगर आप कुछ अच्छा करो तो अपना सब कुछ भूल जाता है। मैं किसी का अच्छा करने के लिए मैंने अपना सब कुछ चौपट कर दिया, अपना सब बर्बाद कर दिया। मेरा चैनल बना बनाया, मैंने अपने चैनल पे ध्यान नहीं दिया, मैंने फोकस नहीं किया किसी एक लड़की की वजह से। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। मेरा चैनल इतना अच्छा चल रहा था ये वाला, मैंने कहा चलो किसी की हेल्प हो रही है, किसी की मदद हो रही है, मेरा क्या खुद से जा रहा है, मेरा पैसा नहीं लग रहा है, किसी की अगर शरीर से हेल्प हो रही है तो कर दो। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना किसी की हेल्प करो, अगर वो उस हेल्प के लायक ना हो ना, नहीं समझ में आता है। जब ठोकर लगती है इंसान को तब समझ में आती है। वो चीज सच में मुझे अब समझ में आई, मेरे घर वालों ने भी रोका, सब लोगों ने रोका, लेकिन मैंने कभी किसी की बातों पर वो नहीं किया। मैंने कहा कोई इंसान परेशान है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करने का नतीजा मुझे क्या मिला बाद में, ये रिजल्ट निकल के आया कि मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ चौपट कर दिया। लेकिन चौपट करने के इंतजार में यहाँ तक कि था कि मेरे ससुराल वालों के उसमें ये सब चीजें जाएं, या फिर मतलब मेरे ससुराल वालों के अंदर ये आदत है ही नहीं, तुम फोन चलाओ या कुछ भी करो, कुछ भी काम करो। देखो, अगर जब तक उनकी परमिशन नहीं होती तो मैं यूट्यूब पे कैसे हो सकती थी। मेरे हस्बैंड सच में, मैं भगवान का पता नहीं मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं, क्या करूं, तो कसम से मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है जो मेरा हर जगह सपोर्ट करता है, हर जगह साथ देता है। इस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरा घर बर्बाद करने में, कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मेरे एक हस्बैंड, मेरी माँ, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो मुझे सच में किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
कोई भी कुछ भी कहे, मेरे फैमिली वालों के लिए कहे या फिर मेरे लिए कहे, लेकिन क्या कहते हैं ना, एक रिश्ते में सबसे ज्यादा विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। वो विश्वास, वो बॉन्डिंग है हमारे रिश्ते में, वो बॉन्डिंग भी है, वो भरोसा भी है, ठीक है। तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आएगा, ऐसे आग लगा के जाएगा, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, एक लड़की की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस चीज से बाहर निकलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि जिस बंदी की मैंने हेल्प करी उसको मैंने अपनी फैमिली से ज्यादा माना, सब कुछ किया उसके लिए, हर काम में मैं आगे खड़ी रही, हर जगह मैंने उसका सपोर्ट किया। बट मेरा लास्ट में आके कुछ पैसों की वजह से, कुछ चीजों की वजह से मुझसे वो रिश्ता ऐसे टूटा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं इंसान आज की डेट में कितना लालची हो चुका है, कितना गिर चुका है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। इंसान को ये सोचना चाहिए, चलो मेरा उस वक्त साथ दिया, जिस वक्त उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं खड़ी थी उस वक्त मैंने साथ दिया था। और यार थैंक्स के लिए बोला जाता है कि तुमने थैंक्स नहीं बोला मुझे, थैंक्स के लिए तुम्हारा इतना ईगो है। पता है लोगों का ईगो इतना है, इतना ईगो है, थैंक्स नहीं बोला, ईगो हर्ट हो गया तुम्हारा। अरे भैया, एक पता है मुझे सबसे बुरी आदत क्या लगती है, अगर एक कोई इंसान होता है, अगर पैर छूने वाली आदत होती है, अगर किसी के पैर ना छुए ना तो लोगों का ऐसे मुंह हो जाता, फूल जाता, अरे मेरे पैर नहीं छुए, पैर नहीं छुए। अरे भैया, इंसान मुंह से तुमसे प्यार से बोल रहा है, सम्मान दे रहा, रिस्पेक्ट दे रहा, पैर में क्या तुम्हारे मक्खन लगा हुआ है या लपसी लगी हुई है, हमको ये बता दो। पैर छूने से क्या ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है? मैं भी हूं, मैं कभी किसी से पैर नहीं छुआती और ना कभी मैंने आज तक किसी से बोला है। कोई भी मेरा रिलेटिव्स भी है, अगर मेरा पैर नहीं छूता मैं कभी नहीं बोलती भैया तूने मेरा पैर क्यों नहीं छुआ। अरे क्या है भैया, रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, जरूरी है कि उसको झुकाओ अपने आगे? जरूरी होता है? अगर इंसान के लिए तुमने कुछ अच्छा काम किया, अपनों के लिए कुछ अच्छा काम करो तो उसको थैंक्स बोलते हैं। मैं तो नहीं बोलती, मेरी फितरत में भैया नहीं है थैंक्स बोलना, ठीक है। थैंक्स उसको हम बोलते हैं कि अनजाना आदमी है, उसने मेरी मदद कर दी, तो हम थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। किसी अनजाने व्यक्ति की हेल्प कर दी और उसने थैंक्स बोला, चलो मानते हैं। लेकिन यार अपने रिश्ते में मैंने फ्रेंड जो है मैंने उनको कभी थैंक्स ही बोला तो बंदी क्या कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर रही थी तुमने मुझे थैंक्स ही बोला, सिर्फ एक थैंक्स के लिए मैं मर रही थी। अरे भैया, थैंक्स के लिए मर रही थी तो मैं अपने लोगों को नहीं बोलती कभी थैंक्स, जिसको मैं दिल से मानती हूँ। तुम इतनी बड़ी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि तुम थैंक्स के लिए, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया भैया? मेरा तो नहीं होता है, तुम जैसी हो वैसी रहो। तो दोस्तों, सिर्फ उसी की वजह से मेरा सब कुछ चौपट हो गया, बट मैं फाइनली अब कंटिन्यू रहूंगी, कंटिन्यू रहना चाहती हूँ और मैं उस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती। और हाँ, अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे दूसरे चैनल मेरी एक छोटी सी दुनिया, आप लोग उस पे जाइए, विजिट करिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए उस पे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मैंने अपने चैनल में डाल के रखा है अपनी मेरी एक छोटी सी दुनिया का, तो आप लोग वहां से चेकआउट करके पहुंच सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, मेरा साथ मत छोड़िए, आप लोग प्लीज कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, मुझे आप लोगों से सच में एक हिम्मत मिलती है, ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। और मेरे फैमिली वालों का सपोर्ट है तो सच में मैं सोचती हूँ जब फैमिली वालों का सपोर्ट है तो कुछ कर जाना चाहिए, कुछ अच्छा सा करो जिससे लोगों पे एक क्या कहते हैं ना, अच्छा सा विश्वास मैं बना सकूं, एक वो और क्या कहते हैं, खैर छोड़ो, सिर्फ एक लड़की ने, इसीलिए मैं किसी से यार ज्यादा बात नहीं करती हूँ। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, आप लोग कहते हैं बहुत कम बोलती, बहुत कम बोलती, इसलिए मैंने सबसे कॉल पे बात करना बंद कर दिया। एंड मैं चाहे मेरा मोहल्ला हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, अपने से मतलब रखती हूँ। पता नहीं भैया कब किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, इसलिए ज्यादा बात ही मत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है, ठीक है। इंसान इतना आज की डेट में गिर चुका है, अगर आप अच्छा भी काम करोगे तब भी लोग बुरा बोलेंगे,
और जब इंसान देखो भगवान में भी गलती निकाल लेता, हम तो फिर इंसान ही है ना, भगवान तक को इंसान नहीं छोड़ता है। ठीक है, इतना गिर चुका है तो फिर हम तो इंसान, अच्छा करेंगे तो सुनाओगे, बुरा करेंगे तो सुनाओगे। मुझे भैया किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो एंड आगे भी करो। तो अपने वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने कहा ये बात बताना जरूरी थी, मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे किसकी वजह से क्या हुआ क्या हुआ, और मैं पूरी बात भी बताऊंगी आप लोगों को टाइम आएगा तो। ठीक है, तब तक के लिए मैं अभी अपने वीडियो को एंड करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।